आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी, मैं हूं मिस्टर जरूर। स्वागत है आपका वेरी न्यू एपिसोड ऑफ हड़बड़ गड़बड़। इस एपिसोड में मैं लेकर के आता हूं फटाफट सा न्यूज़ जो कि कुछ ही मिनटों पहले आया होता है, फटाफट आपको बताना ज़रूरी लगता है मुझे, तो वो न्यूज़ लेकर के आता हूं इस एपिसोड में। तो चलो यार, आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि मैं बताने वाला हूं इंडियाज़ बेस्ट डांसर के बारे में। इंडियाज़ बेस्ट डांसर के अंदर में देखा जाए तो जजेस है जो कि बहुत ही पुराने जजेस है और जिनको हमने DID में काफ़ी बार देखा है, इसके अलावा और भी शोज़ में देखे, लेकिन DID इनका मेन था और वहां पे से देख करके इनको मतलब हमने पहचानना शुरू किया था। सबसे पहले जो जज है इसके अंदर में वो है गीता माँ और मास्टर गीता माँ, उसके बाद से हैं मास्टर टेरेंस और मलाइका अरोड़ा। ये तीनों जो हैं यहाँ पे हैं और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और स्टेज की अगर बात की जाए तो स्टेज बहुत ही ग्रैंड स्टेज है और इसके बाद से जैसे पहले कंटेस्टेंट आए उनका भी परफॉर्मेंस देखा जाए काफ़ी दमदार था, इतना दमदार था कि बुलाया नहीं जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो एक परफॉर्मेंस हुआ, उनका नाम था मोहम्मद आकिब और उन्होंने आकर के जो अपना डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, देखते ही ऐसा लगा कि हम डी को देख रहे हैं। डी मीन्स धर्मेश, डांस इंडिया डांस में आए हुए थे धर्मेश और उन्हीं का पूरा एकदम कॉपीकैट लगा है इनका परफॉर्मेंस, और वो देख करके मतलब मानो मन एकदम दिल बाग बाग हो गया हो। आपने अगर ये फुटेज नहीं देखा, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ, उनका परफॉर्मेंस मैं लेकर के आऊँगा अपने वीडियो में, लेकिन अगर आपने नहीं बोला तो मैं नहीं डालने वाला हूँ। इसके बाद से दूसरी एक डांसर आई थी जिनका नाम था हिमांशी गुरुड़िया जो कि हरियाणा से थी और उनको देखा जाए तो उसमें एक इमोशनल तड़का मारा गया है, लेकिन हाँ रीजनेबल लगा है उनका इमोशनल तड़का। और देख करके डांस देख करके तो आप बोलोगे यार बंदी में दम है, उनका जो डांस स्टाइल था मीन्स लॉकिंग पॉपिंग, देख करके मज़ा आ जाएगा। आप देख करके बोलोगे यार कि वो परफॉर्मेंस मतलब DID के लेवल का था और ये पूरा जो शो चल रहा है पूरा DID के लेवल का चल रहा है। आप देख रहे हो तो प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद से बात करता हूँ तीसरे कंटेस्टेंट के बारे में जिनका नाम है राज शर्मा, जिनके मामा जो है उनके मास्टर है और वो जो गाना चूज़ किए थे घूमते में चंदा मीन्स फ्रॉम द मूवी कोयला और शाहरुख खान जिसमें गूंगे बने हुए थे और उसके अंदर में जो डांस परफॉर्म किया था कुछ उसी लेवल का डांस था और उससे कहीं ज़्यादा था, उस लेवल का नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल का डांस था, उस जिसको देख करके आप बोलोगे कि बॉस मैंने कुछ तो देखा है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए फर्स्ट एपिसोड ही काफ़ी धमाकेदार रहा है और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि टॉप 3 जो डांसर है वो यही है और इनको टॉप 3 तक तो लेके जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो यार विनर बनना अगर कोई डिजर्व करता है तो एक लड़की में से अगर बात की जाए तो हिमांशी गुरुड़िया और लड़के में से अगर बात की जाए तो मोहम्मद आकिब ने जिस तरह से रैपिंग किया अपने परफॉर्मेंस के बाद में, वो सुनने लायक है, देखने लायक है। अगर आपने मिस किया है मैं फुटेज लेकर के आऊंगा, कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक का बटन प्रेस कर दो और यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्द, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी बॉलीवुड की तरफ से, रियलिटी शो की तरफ से या फिर कोई भी मूवी अपडेट के बारे में, तो मैं लेकर के आऊंगा इसी सीरीज़ में हड़बड़ गड़बड़ में, जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं रहेगी, विदाउट एनी कट अनकट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइनर एंड अस्ता ला विस्ता।